जी नमस्कार दोस्तों, मैं सनी दुमड़ा एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे लई लाइव कवरेज लैके। कल जिस तरह देखा गया कि आम आदमी पार्टी वालों नरेंद्रपाल सरना जी जो कि टिकट एलानी गई है, उस तो बाद समरबीर जो कि 2017 के एलाने हुए जो चोन लड़े सन आम आदमी पार्टी की सीट तो, तो उन्होंने समर्थकों वालों अज जरा कि वर्कर वालों जरा इकट्ठ किया गया है इस टिकट के विरोध के सीधिया लाइव तस्वीर दिखा जा रहे हैं। तो उन्होंने गलबात करा की कहना उन्होंने लोगों का। फाजिलका सीट तो आम आदमी पार्टी के नरेंद्रपाल सरना जी जिमें ही सिकट एलानी गई है, उस तो बाद जो कि है समरबीर जी के जो समर्थक ने उन्होंने वालों जो कि रोष जताया जा रहा है, इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। तुम लाइव तस्वीर देख रहे हो आर बी लाइव मीडिया से। गवा लिया अपने हथे कुछ पले नहीं पैना। फाजिलका सब जानते भी फाजिलका किस बंदे नूं पसंद करता है ते किहनूं नहीं पसंद करता। आपां किसे दा नां नहीं लेना, सिर्फ आपां चंगे बंदे नूं अगे लैके आउणा है। ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੋਨੀਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अपनी गल रखनी है भी आपां फाजिलका इलाके नूं किवें लगे लिजा सकदे आ, किवें चंगे लीडर नूं चुण सकदे आ। सो आपां कोई इहो जिही गल नहीं करनी जिहदे नाल किसे मन नूं फेर पहुंचे। माता जी जी आ। इह उहनां दे वर्कर ने जो वख वख पिंडां तों इत्थे पहुंचे ने। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साडे भाई समरबीर वालों जिन्हें भी पंडाल दे विच आए, साडिया भैणा, साडे बच्चे और साडे भरा, असी सारिया नूं जी आया आखदे हां। और साडी सोच यह है जिम्मे पहला ही गल कर चुके हैं क्योंकि आप चेहरा बहुत वादिया मिले और जो अज चेहरा गवाने तो बहुत दुख वाली गल है। और जो भी क्योंकि जिदा भी कई पार्टियां या कई ने सहयोग दिते किसी ने कुछ भी किया और यह देख लो अज छोटी उम्र के साडे एमएलए जिन्होंने अज पार्टी ने टिकट नहीं दिती और बहुत वधिया संयोग सीगा जब पार्टी टिकट दिती। जो सानू अज दुख होया इस टिकट का उहदे पिछे अज सारे भरा सज्जन इकट्ठे होए हैं। वह जिदा भी संयोग होगा सारे सज्जना दे नाल उस तरह संयोग किया जाएगा। और आज जो भी जज्जा बच्चा साडियां भैणां जो भी आए हैं सारियां नूं जीआं कहा जाता। तो मैं एलियां दे कीवां कहण जायता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी। और बेनती करूंगा भारत भूषण जी और दो मिनट आपका विचार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारे मेरे सत्कारयोग भैन भरा बुजुर्ग मातावां सारयां नूं जी आयां नूं, जिहड़े तुसीं इस घड़ी दे विच तुसीं इत्थे पहुंचे हो सारे। अगर मैं गल करा, मैं वार्ड नंबर 11 तो 2021 की एमसी दी चोणां लड़ियां सी
ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ 3 ਵਾਰ, 3ਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। 2021 ਦੀਆਂ MCD ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸਮਰਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਸਿਮਰਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 21 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਸਿਮਰਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬਾਈ ਸਮਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਈਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਮਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਬਾਈ ਸਮਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 3ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ MC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ MC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਲਗਭਗ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਬਾਈ ਸਮਰਵੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 3ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਸਮਰਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਵੈਸੇ 10-12 ਜਣੇ ਵੈਸੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਜਸ ਸਿਮਰਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
उन्होंने इतों तक कहता से कि गली दे वोट ला देंगे कि आम आदमी पार्टी वाला कोई बंद इतने वोट ना मंगे। धन्यवाद करता जो अपना कीमती टाइम कट के आए हैं। इस तो ज्यादा मैं कुछ ना कहता है, असी वार्ड नंबर 11 च हमेशा सबरवीर जी नाल है और जो फैसला लेंगे साडे सरपंच है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की इतों का गाल लगे। इतने अगर मैं बोल रहा वो सबर जी करके ही मैं बोल रहा तो पार्टी कली पार्टी दे नहीं है कि पार्टी को यह हो गया कि चलो आप किसी को टिकट दे देंगे तो आप जित जूंगे, नहीं। अज मैं डिक्लेयर कर देना चाहना कि आम आदमी पार्टी फाजिलके तो टिकट सीट अपनी हार हो गई 101% हार हो गई। तो इस ज़्यादा नहीं कहते हैं, मैं सारा धन्यवाद करता सत्कार करता जेडे जो अपना टाइम कट गए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बेनती करूंगा आदर्श शास्त्री जी प्लीज आप दो मिनट विचार दो। आप पार्टी ने उपस्थित वक्तों साथियों दोस्तों तुहाडा सब दा अभिनंदन सब दा स्वागत, क्योंकि इस वेले सब ने अपनी अपनी गल्लां कहियां ने और कोई भी गल गलत नहीं है, बहुत सोच समझी गई है। ज़्यादा टाइम ना लेंदे होया मैं सब यह कहूँगा कि आई एम शॉक्ड, यह सुन के सच्चाई अगर रात नहीं दी। मैं 7 साल समल फील्ड का जुड़िया और मैं सोचता सी कि असी सही पार्टी का चुनाव किया सही बंदे का चुनाव और असी 7 साल एक विचार फैलान के बीच अपना योगदान पाया सी। अज मैं पार्टी ने धोखा दिया, जो गल कही जाती सी जो वादे किए जाते सी जो दावे किए जाते सी वो लगता है कि सब छलावा सी। दूजिया पार्टियां नाल इस पार्टी का कोई फर्क नहीं है, जिस तरह का काम किया गया है मैं समझवीर जिन्ना भी जानता मैं समझना कि इन्हों नालों वधिया कैंडीडेट सन इस इलाके च नहीं मिल सकता। असी समलवीर को छड़ के ते पार्टी का नुकसान किया है। सानू यह मैसेज पार्टी तक पहुँचाना ही पड़ेगा, अगर असी पहुँचाते नहीं तो इतने गल्ला करी जाते हैं तो सानू तो अगले कह के कह देंगे कि तुसी तो आए नहीं साढ़े को, साढ़े को गलती की हो गई। इस वास्ते सानू अपनी रिप्रजेंटेशन पार्टी को देनी पेगी, पार्टी के कद खोलने पैणगे ते पार्टी अपने फैसले का पुनर्विचार करे। अगर यह काम असी नहीं कर सकते असी हुण भी हारे हुए हैं असी फिर भी हारे, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। समरवीर सिद्धू, समरवीर सिद्धू। तो मैं अगे राजेश कालड़ा जी को बेनती करांगा कि आपने विचार दें। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸਮਰਪੀਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਹੋਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ
जेडे बंदे ने आम आदमी पार्टी का आधार फाजिलका दे विच बनाया है, जिस टाइम ते आम आदमी पार्टी का नाम भी लेंदे सी ना लोकी कई वार हसदे सी। तो दोस्तों तुम्हें ये लाइव तस्वीर दिखा रहा मैं रामपुरे तो उन्होंने निवास स्थान तो जिथे उन्होंने समर्थक जोड़े वर्कर ने इतने रोस जता रहे ने टिकट को लैके जो कि कल आम आदमी पार्टी वालों अपना कैंडीडेट जोड़ा की है नरेंद्र पाल समला अल्ला ने जाने तो बाद जो इन्हों पहली बार मिले मैनू कदे महसूस नहीं होया कि इन्होंने कोई राजनीतिक वाली इस तरह की गल हैगी, हमेशा मैं इस तरह लगे जिवें देवता रूपी कोई इंसान नहीं हुंदा जिहड़ा सिर्फ आदे लोगों के अपने भरावां दे कम करन वास्ते आया है, हमेशा इन्हां दे चोर रूप मैं नज़र आया क्योंकि साडे बजुर्गों ने पहले BJP कांग्रेस सारिया से जमा के देख लिया सीगा, लेकिन इन्हां दे विच ओह चीज़ कदे आई नहीं कि मैं किसी चीज़ की राजनीति करनी है, इक्को ही सोच सी कि फाजिलका की सेवा करनी है। हुण अगली गल है कि मेरी तो रिक्वेस्ट है आपां नूं कि वो टिकट एक बार उन्हें अनाउंस करती है, हुण आपां की करिए जिन्ने भी असीं अहुदेदार हैगे आ असी सारे जो कह समरबीर के नाल खड़े असी डेलीगेशन बना के जाने उन्होंने कोलों उन्होंने दसने भाई साहब तुम शहर दोबारा आके सर्वे करके देख लो भी कोई सिंगल बंदा भी कहता है कि समरबीर को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, जे पार्टी अपनी गल मनती है पुनर्विचार करती है तो ठीक है, नहीं तो असी सारे अपना अस्तीफा दे के जिते समरबीर कह उत्थे नाल खड़े जे इंडिपेंडेंट आजाद लड़के भी आप छड़ दे नहीं। तो एक चीज़ मेरी होर याद रखो आदि में जनून पैदा कर दो भी असं जितना ही जितना समरबीर के नाल खड़े ही खड़े हाँ तो आप कोई नहीं हरा सकता, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है असं समरबीर के नाल खड़े हाँ जिते कहेगा असं नाल चलेंगे उसे। धन्यवाद। समरबीर सिद्धू समरबीर सिद्धू। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। अगे मैं नरेश राज बेग जी को बेनती कर रहा कि आप जो क्या आए नहीं तो अगे बेनती कर रहा है कृष्ण कुमार जी कृष्ण वेख रहे को लाइट का जो दर्शक नवे दर्शक साढ़े ना हुण जुड़े उन्होंने असी दस देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी वालों कल जी है कि नरेंद्र पाल सवना जी टिकट ऐलानी गई थी उनके रोस वजो भाई समरबीर के हक में जोड़े कि वर्कर इतने पहुँचे ने वक् वक् पिंड तो वर्कर ने जोड़े इतने पहुँचे ने मेरी मातावां भैणा और वक्त वक्त पिंडा तो आए वर्कर साहबान दल के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह राम राम।
देखो कल शाम जो पांच साढ़े पांच बजे जो टिकट अनाउंस हुई तो मन में बहुत ही फिर पहुंची कि रात का खाना भी सानू हजम नहीं होया। पार्टी हाली समाज ने ठीक कर दिता अज तो जे देखा जाए। तो दोस्तों साढ़े नाल इत्थे टोनी जी साढ़े नाल मौजूद ने, उन्हां नाल असीं गलबात करांगे लगभग कि इस मीटिंग दे बारे की कहना लगा जी। टोनी जी अज किस तरह की मीटिंग जिहड़ी है रखी गई जी? फाजिलका हल्के विच एक आम बंदे तो लेके शहर के हर बंदे जिहड़ा है खेमे विच जिहड़ा है अज मायूसी छाई हुई है भी एक शरीफ ते ईमानदार सच्चे बंदे नूं जिन्हें पार्टी नूं खड़ा करने वाले नूं इग्नोर किया गया है। ये जिहड़ा सारा पार्टी पार्टी वर्कर पार्टी के अहुदेदार पार्टी वलंटीयर हैगे ने इहदे विच जिहड़ी है असीं जिहड़े ये नहीं कहा भी तुसीं इकट्ठ करो, ये इकट्ठ नहीं है सिर्फ पार्टी वलंटीयर है जी। जिहड़ा वेख लो भी समरबीर दे नाल जिहड़ा जिन्हां दी हमदर्दी जुड़ी हुई है, जिहड़े समरबीर ने इन्ने सालां विच जो किया सी पार्टी लई जिहड़े बंदे जोड़े सी ओह अज पार्टी नूं दरकिनार करके अज समरबीर जी नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े ने, क्योंकि वह निहायत ही शरीफ ईमानदार मैं कहना भी टोटल पंजाब विच इन्हां नाल दा जे तुहानूं कोई मिलदा है जे साडे तों कोई समरबीर तों कोई वधिया बंदा सीगा असीं उहनूं सलाम करना सी ते उहनूं कबूल करना सी, पर हुण असीं किसे बारे कुछ बोलना नहीं चाहते। बाकी फाजिलका की जनता अपने आप फाजिलका जनता नूं साडे नालों बेहतर पता है एक ही हो रहा है, होर पार्टियों की तरह रवायती पार्टियों की तरह ही इन्होंने जरा सारा कुछ कर रहे हैं। कि जी गल करिए निर्णय लिता गया अभी की कदम उठाया जा रहे हैं पेंडिंग है? कोई पेंडिंग मतलब ये सिर्फ सारे वर्कर वलंटीयर सारे की रह नाल ही सारा जो कोई भी अगर जरा फैसला लिया जाएगा। असी सब तो पहला जो सा जो वर्कर जुड़े है समरबीर जी वर्कर जुड़े है भरा जुड़े है बच्चे जुड़े है सारे की सहमति नाल ही जो अगे जरा स्टेप लिया जाऊगा। अपने पिंड तो पहुंचे ये जी फाजिलका के हर पिंड चो बूथ सदर के कमेटी मैंबर कमेटी के जोड़े प्रधान वह पहुंचे हुए हैं पंड वक् वक् पिंड शहर के वक् वक् वार्ड प्रधान जो जिन्होंने वार्ड के इलैक्शन लड़े से वो जोड़े 22 सर्कल हर प्रधान लाए से वो ने ब्लॉक प्रधान ने यह पार्टी का समुचा जोड़ा संगठन जोड़ा इस टाइम इतने बैठा है जोड़ा पार्टी नूं असीं संदेश देना चाहते हैं भी जो तुसीं कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल गलत किया है निहायत ही इहदू जिहड़ा तुसीं इक वर्कर नूं अज वर्कर ये रो रो के कह रहा है भी जिन्हें 8 साल आपकी जिंदगी गाल दी आपका सारा कुछ गालता पार्टी उहदी नहीं हुई तो साढ़े जिहड़ा असीं बैठे हाँ साडा की बनूगा, सानूं तो किसी ने पुछना ही नहीं है। जे गल की जाए कि अजे भी तुहानूं उम्मीद है क्योंकि टिकट तो ऐलान ही गई पार्टी पार्टी जी उम्मीद की पार्टी तो असी उम्मीद हजे सानू 1% उम्मीद हैगी है, पर पार्टी तो असी इन्नी भी हुण उम्मीद रख भी नहीं सकते क्योंकि जे पार्टी गऊ हत्या कर सकती है एक सिर्फ बंदे नू जिहड़ा दरकिनार कर सकती है यह पार्टी कुछ भी कर सकती है। यह पार्टी कल नू जिहड़े मिलते लगता भी पंजाब वेचण लगे इन्हां ने झिझक नहीं पैदा करना, दूजिया पार्टियां ने तो हौली हौली वेचा इन्हां ने एकदम ही वेच देना। कि कोई शक्ति प्रदर्शन करन भी जा रहे ने जी? ये साडे वलंटीयर जो रहे हो जो ये कहे असं इन्हों के नाल है जे जे सू कह घरें बैठ जाओ असं घरें बैठ जाएंगे, जे कहे इलैक्शन लड़ो इलैक्शन लड़ा, जे कहे पार्टी में रहो तो पार्टी में रहेंगे, जो इन्हों का निर्णय वो सारा दिन। तो ये टोनी जी दस रहे सन कि इन्होंने वालों जी कि अच्छे वर्कर मीटिंग जी है रखी गई है तो वक् वक् पिंड वर्कर जोड़े है आम आदमी पार्टी के जोड़े वलंटीयर ने वो इतने पहुंचे ने तो उन्होंने वालों जी की है मीटिंग तो बाद ही फैसला लिया जाएगा भी आने वाले समय से की कदम लेना है। लाइव तस्वीर दिखा दें ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਸਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਭ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵਿਆਦੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਆਦੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਡਟ ਕੇ ਖੜੋ ਡਟ ਕੇ ਲੜੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਗ ਲੱਡੂ ਨੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ ਜੇ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਵੀਰ ਬਾਈ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸਮਰਵੀਰ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾਸਵੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਟੇਟ ਕੱਟ ਗਈ ਆਹ ਯੋਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਆਈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲ ਰੱਖੂਗਾ ਅਗਲਾ ਬਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਖੁਈਗੜਾ ਤੋਂ ਆਪਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਰਕਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈ ਸਮਰਵੀਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਮਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਫੜਕਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਦਲੇਰ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੈ ਸਮਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਰਵੀਰ ਬਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ MLA ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਵੀਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲਓ
वारी वारी सारे मेरे वीर उन्होंने कॉल करके इन्ना क परेशान करते भी वह सोचने पर मजबूर हो जाए जेड़े उन्होंने आपके सिस्टम ने इन बई धोखा दिता है उस जबान के ही कह भी टिकट समरवीर की है सवाद फिर आऊ। दूजी गल जे फिर भी पार्टी गूंगी बोली हो गए रवायती पार्टियां बेशर्मी धार लूगी टिकट नहीं दिंदी बई नूं फिर बई तू राई ना जंग आई जारी रखांगे बेशक याद लड़गे लड़ांगे जित के भी दिखावांगे जित अपनी कितने दूर है नहीं बई ये मैं तुहानूं पहला भी कहिंदा हुंदा सी वी तुसीं जे सरकार बणी ना जे जिते मां जे जिते नहीं करना आपां तां जिते वे जितांगे मैं धार दी वी इही है। सो बई जी जे पार्टी आपका फैसला नहीं बदलती मैं रात भगवंत मान ना गल करनी चाहिए उहदा सोच ऑफ सी सवेरे मैं गल की उस सीएम केजरीवाल के नाम से उन्हें पीए नाल मेरी गल हुई है उन्होंने भी मैं दोबारा गल रिपीट की कि मेरी गल करवा दे जल्दी तो जल्दी और मैं उन्होंने वॉइस मैसेज भी छड़िया एक मैं कहूँगी तो सारे अपने ग्रुप के मैं साझा भी कर दूंगा जिंद मैं उन्होंने बकायदा सारी गल कही है क्योंकि भाई जी जो उन्होंने कैडर देखा बरादरी का मैं नहीं कहता भी सारी बरादरी एक पासे जाती रहेगी जब कह दी भी सारी बरादरी माड़ी है ज हो रहे बड़े सूझवान मित्र राय सिख बरादरी के भी है हरेक बरादरी के है जेडे समझते हैं इस गल में पढ़िया लिखा कौन है या हो रहा उस चीज़ को भुल चुके हैं जातिवाद वाले सिस्टम को जे अज बरादरी का कैडर खेलते हैं तो बरादरी का चार थावां ते वंडी जाऊगी राजदीप ने भी सीट मंगनी है टिकट लैनी है कैप्टन वाली पार्टी चो उन्हें भी वोटा खराब करनिया घवाया देवेंद्र भी बैठा है समणा किनिया क लैजूगा फिर वोटा होर भी पार्टी सुरजीत कुमार जानी का भी गढ़ रहा राय सिख बरादरी की वोट तो हरेक थाने वंडी जानी हरेक बरादरी की वंडी जानी है बई जी गल सूझवान लोगों की है जेडे सूझवान लोग है पढ़े लिखे लोग है वह सब समरवीर बई में लाइक करते हैं ये आपां नूं ही पता है क्योंकि बई ने उस टाइम के मैं उन्होंने बकायदा मैं राघव चड्डे को भी यह गल कही सी मैं जदों थोड़ी झाड़ू की कोई तीली नहीं फड़ता सी उस टाइम समरवीर बई ने थोड़े नाल चल के थोड़ी पार्टी को आपका खून पसीना एक करके सिंचाई करके बूटा लाया उस बंदे नाल तुसीं गौ हत्या कर रहे हो बहुत माड़ा काम कर रहे हो तुसीं आपका फैसला बदल लो जे वो नहीं बदलते तो कम से कम बई आप वर्कर आप दिनों बई ना जुड़े हैं फिर बई की आवाज उन्होंने तक दूजे तरीके पहुंचाई गए जो नहीं टिकट देंगे तो फिर बई में इतों जिता के भेजना किवें भेजना है वो आपका कमर कसा कस लो बई सारे तैयार हो जाओ सवाल तो फिर ही आऊंगा ना अपनी वर्करी की जे बई समरवीर की पिट लग गई तो फिर अपनी तो बई पहला लग गई मैं आपकी मान नहीं करता दविंदर सिंह सभाए उनकी सरकार होने के बावजूद मेरे पिंड च नहीं मैं मर लिता सीगा सिर्फ मुद्दे के आधार पर साडे पिंड कहते होंगे जिन्ना चिर चौधरी राधा कृष्ण बैठा है साडे पिंड की सरपंच नहीं बदल सकती असी वो भी चौधरी साहब से बैठे बदल के दिखाइए भी ऐ बदली नहीं होंगी है। सो भाई जी मेरे नाल मेरे मित्र विनोद कुमार अनिल कुमार विक्की मैंबर ढींगड़ा जी है साडे प्रधान जी बैठे है बलराम जी कुलरिया असी सारे ने उस टाइम के तख्ता पलट किया जिते साडे कहने भी चौधरी साहब जे फूक मार दिल्ली का घाव बन जाता वह बंद तख्ता पलट करता सी पिंड जिते जे साडे एक कहावत सी भी चौधरी साहब ने कहता ना भी गां ही गोधा तो अगला कहते गोधा ही है भावे गां ही होंगी सी उस बंद का तख्ता पलट असी चार पांच सत बंद कर सकते हैं तो हूं तो आप यार इन्ने एरिए बंदे इकट्ठे हुए हैं फिर आप क्यों नहीं कर सकते यार क्यों नहीं आप बई में जिता सकते सारे मेरे वीर कमर कस लो इनकिया बेनती करूंगा पहली गल तो फोन कर करके भगवंत मान केजरीवाल राघव चड्डे जेड़े बंद ने टिकट के गदारी की है उन्होंने परेशान कर दो भी जो भी फोन आवे फोन चुकने पहले डर लग जाए भी यार कि आए ना कह दे यार समर को टिकट दे दो या टिकट क्यों नहीं दी उन्होंने परेशान कर देना नहीं होंगे नहीं बेशर्मी और मान लो शब्द आपकी टिकट बई को नहीं दिते तो फिर बई में याद खड़ा करा बई को मैं बेनती है बई पिछे नहीं हटना सिंह सूरमे सिंह सूरमे बढ़ के चला गए आजाद लड़ नहीं भावे भरावा तेरी पिट नहीं लगन देंगे दिन का तक कर देंगे जिहोजे है हाजरी रहेंगे तो तेन जिता के भेजा क्योंकि भाई जी जेड़े बंदे ने अठ साल मेहनत की होवे मानता मैं मैंने भी कल एक ओपोजिशन का लीडर मेरे पिंड का उन्हें मेरे ना बैठ के ही गल की कहना यार वाकई गौ हत्या हुई है बिल्कुल दिल दुखिया साझा भी इस गल से और वह बंदे ने फाइट की एक गल कही कहना मैं फाइट मानता है दविंदर घवाए जी ने समरवीर की ओपोजिशन के बंद ने यह गल कही है कहना मैं दविंदर घवाए जी समरवीर की फाइट मानता सी बाकियों तो मैं गिनता नहीं सी पार्टियां भी बड़िया हाई हैं हले जिड़िया आ सकती साढ़े को पर असी आपका मान नहीं डोलना असी समरवीर के थ्रू पार्टी ने जुड़े सी समरवीर ही साडा सारा कुछ है
जिताउणा भाई घबराई ना लाल तेरे कदे सारे भरा एक कर देंगे। सो ज्यादा कुछ ना कहता होया खिमा का जचका है और एक बार फिर यही बेनती करूंगा भी दिन रात करके आप जिम्मे भाई समर ना अज खड़े हैं उवे आप घर घर जाके डोर टू डोर जाके हरेक भरा ने मेहनत करनी है और भाई को जित के भेजना ही भेजना इतों। धन्यवाद बहुत बहुत जुगनू जी का धन्यवाद। बहुत वधिया विचार रखे इन्होंने ते अगे मैं बेनती करूंगा चरण जी मैणी मैडम नूं वी आपदे विचार पेश करो। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। बहुत ही सदिकारियों इथे हाजर जन समूह पार्टी दे वर्कर्स लीडर साहबान होर जन समूह तुहाडा सारिआं दा इथे पहुंचन ते हार्दिक स्वागत है। ते मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि पार्टी ने बेशक साडे नाल धोखा कीता है पर तुहाडी पछाण करा दित्ती है कि तुसी किस किस्म दे लोग हो। औखे वक्त दे विच ही इंसान दी पछाण हुंदी है। ए पार्टी ने साडे लई औखा वक्त लियांदा है तां ही असीं तुहाडी पछाण कर सके हां कि कौन साडे नाल खड़ा है। खुशी दे वेले तां दुश्मन भी आके खड़ा हो जांदा है। ए वक्त है साथ देण दा जिस वक्त तुसी आए हो ते तुहाडा एक एक कदम जड़ा है वो साडे सिर मत्थे है। असी देख रहे हां समरवीर जी नूं जदों तो पार्टी स्थापित हुई है उस वेले तो ही पार्टी दे नाल चल रही है। पार्टी दा मोढी फाजिलका दे विच इन्हां ने बन्ने है जदों पार्टी दा कोई नाम ही नहीं जानदा सी। वाकई जिहड़ी उन्हें गल कही गई सी कि पार्टी दा नाम ही सुन के लोकी हसदे सी कि ये पार्टी की कर लेगी। एक बच्चा ही सी जिहड़ा कि उस वेले तो मेहनत करन लगा सारी जिहड़ी जवानी है ओ लेखे ला दित्ती पार्टी दे हले भी ला रहा ते हरेक शहर वासी दे नाल चाहे दूजी पार्टी दा ही सी इस तरीके दा रिश्ता बनाया जी मैं अपना तीसरा बच्चा दा बेटा समझदी हां जिहड़े छोटी उम्र दे ने अपना वड्डा या छोटा भरा समझदे है। हर एक इंसान दे नाल इन्हें पॉलिटिकल लेवल तो भी उत्ते उठ के एक रिश्ता बनाया। जदों कल मैनूं पता लग्या कि ये टिकट जिहड़ी है समरवीर नूं नहीं दित्ती गई तो तुसीं मन्नोगे नहीं कि जे मेरा अपना बेटा भी हुंदा तो शायद मैनूं घट दुख हुंदा मैनूं उस तो वध दुख इस दी टिकट कट्टे जाणदे होया। इस करके नहीं कि जे औलाद सी मेरी होवे ते ओ होणा ना होवे तो ओनूं जिहड़ा नहीं डिजर्व करदी ओ ना मिले तो मैं दुख नहीं मनावांगी। पर ए जिहड़ी औलाद है जिहनूं मैं अपने आप बेटा मंदी हां ए इक बड़ा होणहार बेटा है इन्हें मेहनत करन दे विच कोई कसर नहीं छड्डी और इस आदमी दे विच नम्रता इन्नी है कि कोई माड़े तो माड़ा बंदा इन्दे कोल आ जावे मैं कदी नहीं देखा माड़ी तो माड़ी गल भी कर जांदा है भी इस आदमी ने उच्ची आवाज दे विच जवाब दिता होवे आवाज जवाब सही देंदे ए नहीं है कि कोई माड़ी गल करदा ते इन्हें ढुकवा जवाब नहीं दिता जवाब दिता है पर कदी भी तलख लै जा मैं इस आदमी दे विच नहीं देखा। इन्ना सबर जड़ा ना एक दरवेश इंसान दे विच ही हो सकदा है। जिवें कि कहा गया है कि फरीदा फरीदा एक दोहा है ओंदे विच कहिंदा है कि दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जेरां। इस इंसान दे विच रुखां जिहड़ी जेरां दा जेरा है ते इस लई जे इस इंसान दे नाल जिहड़ा बंदा धोखा कर गया ओह इंसान कदी भी शराब तों बच नहीं सकदा। जिसने अपना फैमिली बारे अपना कोई पैसा किथे जांदा है किसे गल बारे नहीं सोचा एक पार्टी ही पार्टी दे दिमाग दे विच चलदी सी किसे वेले भी असीं बैठे हां हमेशा पार्टी दे बारे गल कीती है। मैं आप एक कांग्रेसी परिवार तों बिलोंग करदी हां सोहरे साइड तों ते मेरे पेरेंट्स जिहड़े कॉमरेड सीगे ते मैं भी पक्के कॉमरेड विचारां दी एक सी पर
समरवीर जी नूं वेख के ही बार बार इन्हां दे यतन सदका मैं इस पार्टी दे विच आई। मैं तुहानूं इह वी दसना चाहुंदी हां कि मेरे जिहड़े हसबैंड है हले भी कांग्रेस दे विच है, पर इन्हां ने इन्ना प्रभावित किया कि मैं इस पार्टी नूं ज्वाइन किया, क्योंकि मैं देखिया कि जिस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव फाजिलका दे विच इन्ना वधिया बंदा है, वह पार्टी नैचुरली वधिया होएगी ही, क्योंकि पार्टी के काम तो सारे दसते ही सी, पर लोकल लेवल से कौन साडा रिप्रेजेंटेटिव है ये गल बहुत मैटर करती है। इस किस्म का एक पढ़िया लिखा इंसान, सूझवान इंसान, इन्ना नम्रता वाला इंसान, इन्ना जेरे वाला इंसान जे साडा लीडर है, तो मैं सोचा कि फाजिलका का बेड़ा जरूर पार लाएगा, तो इस दे नाल चलना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। जदों सुनिया असी इस तो पहला चाहनी है मेरे सी कि समरवीर ही साडा MLA, मैं देख रही सी कि शहर दे विच कोई भी फंक्शन हुंदा सी तां समरवीर नूं बुलाया जांदा, वो इस तरह नहीं बुलाया जाता सी कि एक गैसट के तौर पर, एक MLA के तौर पर, चीफ गैसट के तौर पर इन्हों बुलाया जाता सी, लोग इन्हों अपना MLA मान चुके थी। इस अटकथनी नहीं है कोई, तुसी आप ही देखा होगा कि मैक्सिमम जेडे फंक्शन है साडा कोई MLA कोई मिनिस्टर या उस तो भी उत्ते रैंक का बंदा वो चीफ गैसट नहीं बुलाया जाता सी, इन्हों ही चीफ गैसट बुलाया जाता सी। ये हले कल भी एक ऐसे तरीके का फंक्शन सी जिथे मैनू दसाया गया कि समरवीर जी चीफ गैसट ने, तो मैं बहुत ही वधिया लगता सी कि लोगों ने इन्होंने इलेक्शन आने तो पहले ही MLA एक्सैप्ट कर लिया। पर बड़ी दुख की गल है कि पार्टी नूं पता नहीं कितने गलती लग गई है कि इंटेंशनली पार्टी ने किया है, जे तो गलती लगी है तो फिर तो सुधार हो सकता है, असी भी माफ कर सकते हैं कि कोई गल नहीं, गलती जड़ी किसी भी इंसान तो हो सकती है, तो पार्टियां दे विच भी इंसान है, उत्थे उन्हां तो गलती हुई है। मेरा सुझाव तो यही है कि आप सारे जाके उतली पार्टी के लीडर्स नूं मिलिए, उन्हां नूं कहिए कि तुहाडे तो यह गलती हुई है, इस दे विच सुधार कर लो। पर कहिंदे ना टू एरर इज ह्यूमन एंड टू स्पीक ऑन एरर इज डेविलिश, कि जे तुसीं गलती कर ली कोई गल नहीं, ये इंसान तो हो जाती है, पर जे गलती ते अड़े रहते हो तो फिर वो जड़ा दानव वाला काम है। आपां एक बार जरूर सारे ही चलांगे जिन्नी वध तो वध गिनती दे विच हो सकता है, बाकी जिवें ये कहणगे आपां उवें करांगे। पार्टी के जिहड़े भी लीडर्स है उन्हां नूं बेनती करांगे कि तुहाडे तो बहुत वड्डी गलती होई है, इस दे नाल साडे शहर का भारी नुकसान हो सकता है, ते दूसरे बंदे नूं तुसीं किस कंसीडरेशन दे उत्ते टिकट दित्ती है, कृपा करके सानूं इह वी दस्सिया जावे। आज ही केजरीवाल जी कह के गए सी कि असीं दूसरियां पार्टियां दा कूड़ा नहीं लैणा। मैं किसी नूं कूड़ा नहीं कहंदी, ये थोड़ी जी अटकथनी उन्हां दी सीगी, उन्हां नूं ये शब्द कूड़ा मैं कहनी हां कि नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जिहड़े दूसरी पार्टियां दे भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है भावें जो भी ने, उन्हां नूं लोकां ने चुनिया, असीं कूड़ा नहीं कहांगे उन्हां नूं। पर असीं इह वी नहीं चाहुंदे कि बाहरों एक आदमी आवे ते सारी जिंदगी दी एक आदमी दी जिहड़ी मेहनत ते उहदी सिंसैरिटी है ते उहदा सब जो पैसा लाया होया अपने विच तो बाहर दा वह सारा कुछ खो के लै जावे, ये नहीं असीं चाहुंदे। पार्टी प्लीज इस गल दे उत्ते कंसीडर दोबारा करे, रीकंसीडर करे अपने फैसले नूं। असीं जावांगे, आपां बेनती करांगे, जे बेनती मंजूर हुंदी है तां ठीक है, जे बेनती मंजूर नहीं हुंदी तां इस युग पलटन वाले इंसान दे पिछे असीं जिवें कहेगा असीं उवें चलांगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगे नगेश सिंह जी को मिलूंगा, दो मिनट लाना पा सब तो पहला तो फतेह बंदा जी, वाहगुरु जी का खालसा, श्री वाहगुरु जी की फतेह। साथियों पेंड बगा पड़ोमी जी, पंजाब पल्ले का यूनियन का प्रधान, ਮਹਿਮਾ ਪੰਚਾਇਤ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕੜੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ, 20 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ 99 ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਟਿਕਟ ਹੋਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰਵੀਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਈਏ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ दोस्तों तुसी ये लाइव तस्वीरां देख रहे हो भाई समरबीर दे हक दे विच वर्करां वल्लों जो कि मीटिंग कीती जा रही है आम आदमी पार्टी वल्लों टिकट जो कल ऐलानी गई सी नरेंद्रपाल कमने दे हक दे विच इस विरोध दे विच वर्कर इकट्ठे होए ने वख-वख पिंडां तों इत्थे वर्कर पहुंचे ने ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੱਟ ਦੀ ਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਗਬੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਟਰੈਕਟਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਡਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਰੈਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬੜਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਰਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਡੀ ਟੋਟੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਡੱਕ ਜੋ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭਾ ਵੀ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆ ਬੋਲ ਆਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜੀ ਤਬਾਹ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਤਬਾਹ ਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਮਰਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਵੀਰ ਦਾ ਪਾਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਫੇਰ ਬਦਨਾਮੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਪੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝੇ ਬਣੇਗਾ ਕਾ ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਬਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਪਈ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੂਤ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀ 16 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ इज्जत बनेगी फायदा इज्जत जता
बहुत बहुत धन्यवाद सारा का माता जी का दो मिनट का समय दिया। आम आदमी पार्टी की कोई पछाण नहीं सी, फाजिलका दे विच कोई भी नहीं सी, कभी भी कोई पार्टी का ना है उदो तो शुरू किया, इस करके इस पासे गया। हालांकि असि परिवार नहीं चाहता सी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के विच आया जाए, पापा नहीं सी 13 साल का सी, 9th दे विच है जदों पापा जांदे आ, बहुत वड्डी घटना सी, पर उस तो भी वड्डी साडे लिए सी कि दूसरी घटना होगी कि वड्डा बेटा गया। हालात इस तरह के नहीं सी भी इस पासे आया जाए, पर इहदी सोच ने और पार्टी नूं देख के लग्या भी शायद बदलाव हो सकता है, फाजिलका हल्के का भी चेंज लैंदी जा सकती है, बहुत हालात माड़े है। पर जो अज पार्टी ने फैसला किया उहदा बहुत दुख लग्या, दो वोटां लैके घरों चले हैं, कोई भी कहे किसी की किन्ने हजार है, कोई किन्ने हजार लैके चलिया, पर असी मां बेटा दो वोटां लैके घरों चले सी, पर अज जो भी सारा परिवार जुड़िया वो साडा परिवार साडी सोच जां पार्टी की सोच नूं जुड़िया सी, भी आपां बहुत भैण भरा इकट्ठे होए, सब ने साथ दिता। औखा टाइम ही रहा जदों कि पार्टी के लोग हस रहे सी भी 10-22 MLA जीते है जिहदे विचों 10 छड्ड के जा रहे, क्यों छड्ड के जा रहे, सब दे सामने सी भी क्यों जा रहे, किसी नूं जोड़न की कोशिश नहीं कीती गई, पर असी उस टाइम च भी मतलब सब कुछ छड्ड के इस पासे लगे भी चलो एक टाइम माड़ा परिवारां ते भी आउंदा है, साडे ते भी आया, असी भी सोचदे भी चलो चंगा आउंदा है, किसी की सेवा कीती जा सकती है, पर चलो जो सोचा गया हौली हौली टाइम पिया, हल्का इंचार्ज लाया गया 117 हल्कियां दे विचों, ये पहला केस होगा भी हल्का इंचार्ज तो 5 महीने पूरा खर्च करवा के खेचल करवा के दिन रात एक करवा के सब नूं जोड़िया गया, थोड़ा भी सब का टाइम असी वेस्ट करते सी, सादे सी, जो पार्टी ने रैली कहनी, जो भी पार्टी दी नीतियां आउंदियां सी उहदे ते सब काम कीते जांदे सी, कोई भी चीज़ नैगेटिव नहीं गई भी अज आ डाटा नहीं होया जां जो भी होया, सब काम आपके टाइम मुताबक पूरे किए गए, जो भी कहा गया किया गया, पर यह नहीं समझ आई भी अज ये फैसला क्यों किया गया। बाकी सब सारे नाल है, जो अज परिवार है सारा, वो असी दो मां पुत नहीं है, सारा इलाका परिवार बनया है, समझे चाहे है। बाकी ये सब रिक्वेस्ट है भी जमीर सबकी जगती रहे, जो जमीर मरतियां वो थोड़ा टाइम चलती है, जे आप जगती रखते हैं तो लंबा टाइम चलूगी, सब ने बहुत बहुत आपका टाइम भी कटिया, सारा कुछ ये औखा टाइम भी आया, उन्होंने भी अगे चलना, जो सारे फैसला करेंगे वो करांगे। बाकी ये चीज़ अब 117 हल्कियां दे विचों ये पहला केस है भी जिहदे तो 5 महीने काम करवाया गया, हल्का इंचार्ज ला के एक भी केस कहिंदे भी किसी नूं बदलिया गया, इत्थे किसे किसान नूं लियांदे सानूं कोई गिला नहीं, आपां किसान सी सारे डट के उहदा साथ दिंदे भी किसानी मसले है, ये पार्टी का समझौता होया उहनां नाल तां आपां इह चीज़ करदे भी सानूं छड्डना पड़ जाए, जे कोई बरादरीवाद है तां एडे एडे पढ़े लिखे उहदियां ते बैठ के कोई बरादरी का नाम लेंगा उहदे लई शोभा नहीं दिंदा, कोई बरादरी नहीं, मालिक ने पैदा कीते हैं सब कट्टे हैं, कोई बरादरी किसी भी नहीं हैगी, इस करके जे अज बरादरीवाद दे विच वंडिया ते 3 सीटां दिंदे, फाजिलका भी दिंदे, जलालाबाद है, गुरूर साहिब है, तिन्ने पार्टी दे सकती सी, कोई लोड़ नहीं सी, सब उन्हां दा साथ दिंदा, पर अज जो एक सोची समझी साजिश दे नाल कीता गया, बिल्कुल टाइम ते आ के उधर नरेंद्र जैन जी आउंदे आ, सारा वर्क करवाया जांदा अपने तो, टिकट भी अनाउंस सी, एक मिनट जिहड़ा एडा वड्डा लीडर कह के जांदा बिना किसी मतलब इशारे तो जां कुछ नहीं कह के जांदा, सब नूं कहा जांदा, कॉन्फिडेंस भी लिया जांदा, सब कुछ कीता जांदा, उस तो बाद अगले दिन एकदम यह चीज शॉक दिता जांदा भी तुहाडी असीं टिकट बदल रहे हां, इहदे पिछे बहुत वड्डी चाल होगी, वो मतलब जे आपां अपने फ्यूचर नूं बचाउणा जां जो भी करना तां आपां नूं मतलब इन्हां लीडरां दीआं चालां जां जो भी चीज़ आ उहनूं समझनी चाहीदी है, असीं सच्चाई ते चले हां, साडा परिवार चलिया, जो भी मेहनत है पापा भी सब जाणदे आ भी उहनां ने आपदी टाइम जिंदगी जिन्नी भी उहनां नूं मिली सी उहनां ने आपदी किस तरह गुजारी, उस चीज़ का साथ देना, सब ने साथ देना, सब कुछ चलना है भी चंगे काम कीते जाण, जो भी फैसला करनगे उह कीतनगे, ठीक है, मतलब मैं इस चीज़ नूं वड्डा नहीं गिणदी, जो साडे परिवार ते जो असीं कमियां देखियां जिस तरह भी मैं पालिया, साडा परिवार नहीं चाहता सी राजनीति जाए, क्योंकि आप कह नहीं मैं सकती भी राजनीति की होंगी, अपन सब नूं पता होंगी भी की है, और अच्छ विखा भी इन्होंने की दी भी राजनीति की होंगी है, ये सब कुछ हो जाता जो इन्होंने करता है,
इस करके भी ये चीज मतलब दुख लग्या। पर चलो मैं इस चीज आपके परिवार दी तकलीफा दे सामने मैं दुख नहीं गिनती। वाहिगुरु ने चढ़ती कला दी है, आपा सब दे साथ नाल चढ़ती कला च रहना और इस चीज हिम्मत रखनी है। मैं ते मेरा बेटा दो नहीं है जी, हलका शहर सब साथ दिंदे आ, ते साडा बहुत वड्डा परिवार है। रिक्वेस्ट करके सब नू जोड़िया, किसी का कुछ चक्या नहीं, जे चाह पानी थोड़ा पीया है तुसीं इधरों पीगे तो वाहिगुरु दा दित्ता एक दूजे ने वंडिया, आपां कुछ कुछ नहीं कीता। इस करके भी सब ने साथ देना, सब जो भी फैसला करनगे असीं नाल, जिन्ने जोगे होए दुख सुख दे विच हमेशा नाल रहांगे। तुसीं भी साथ दिंदे रहना, मैनू भी इहना लगे भी मेरा बेटा कला सी। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਢਾ ਰਾਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਦਿਓ, ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੇ ਬਲਬਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ